तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के हवाले से कि आने वाले 21 तारीख की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है। 21 तारीख भारत बंद, यह जो हैशटैग है वह ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग पर चल रहा है और उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी का जो बयान आया है इससे इस भारत बंद के इस आंदोलन को ज्यादा मजबूती मिल रही है। बहन मायावती जी के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। बहन मायावती जी के दिशा निर्देश के बाद ही यह सारी पुष्टि हो पाई है कि बसपा अब सड़क पर उतर आएगी, ज्ञापन सौंपेगी सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण को बचाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अब सड़कों पर नजर आ रही है। बता दें कि इसके पहले 21 अगस्त भारत बंद यह जो आंदोलन है यह सामाजिक स्तर पर हो रहा था और जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कम्युनिटीज है वह लोग इस सामाजिक स्तर पर यह आंदोलन करने जा रही थी, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने ही इस आंदोलन का समर्थन किया है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसका समर्थन नहीं किया है। बयान अगर आप देखते हैं तो अखिलेश यादव का बयान गोल गोल है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस की तरफ से बयान था कि वह अभी इस पर विचार कर रहा है। अब तक कांग्रेस ने विचार क्या किया, क्या विमर्श किया, कुछ अता पता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला ले लिया है कि इस फैसले के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी, जन आंदोलन करेगी, भारत बंद का आंदोलन करेगी और बसपा की तरफ से महत्वपूर्ण मांगों को लेकर यहां आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि बहन मायावती जी ने सबसे पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही नहीं है, इसमें इससे बहुजन समाज पार्टी असहमत है। दूसरी बात, बहन मायावती जी ने इस आंदोलन में शामिल होने का जो फैसला किया है उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस फैसले को बहन मायावती जी ने कहा था जब देश के प्रधानमंत्री ने इस पर गौर करने की बात कही थी, जब दलित आदिवासी सांसद प्रधानमंत्री से मिलने गया, उन्होंने कहा कि इस पर गौर किया जाएगा और आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो जहां पर भाजपा की सरकार है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उन राज्यों में वहां के भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस सब क्लासिफिकेशन के फैसले को, क्रिमिनल के फैसले को लागू करने की बात कही है। हरियाणा में लागू होने जा रहा है, वहीं आपको बताया कि तेलंगाना में भी लागू होने जा रहा है, राजस्थान में एससी एसटी कम्युनिटीज को बीजेपी की सरकार गुमराह कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है वो भी लागू कर रही है। बहन मायावती जी का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी ने इस पर गोल गोल बयान दिया, क्या कहा कुछ समझ नहीं आया। आप देखिए उनका ट्वीट उठाइए अखिलेश यादव का, जहां पर आपको समझ आएगा, जहां उन्होंने उपवर्गीकरण का शब्द भी नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा और इस प्रकार से उन्होंने सिर्फ बयान दिया। और वो बयान इसलिए दिया गया क्योंकि बहन मायावती जी ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लेकिन इनके तरफ से एक बार भी बयान जारी नहीं हुआ था। वहीं आपको बताया कि कांग्रेस की तरफ से भी बयान नहीं आया था। जब बहन मायावती जी ने कहा तब जाकर मजबूरन मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने आकर बयान देना पड़ा, लेकिन वह भी बयान जो है वो स्पष्ट बयान नहीं था। बहन मायावती जी ने इस बात की गंभीरता को पहले ही आंक लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर संसद के अंदर नहीं बदला जाता, संशोधन बिल नहीं लाया जाता, नवीं अनुसूची में नहीं डाला जाता, तो जहां जहां पर भी आरक्षण विरोधियों की, संविधान विरोधियों की, कांग्रेस भाजपाइयों की सरकार है जिन जिन राज्यों में, उस राज्यों में इस फैसले का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस फैसले पर को लागू किया जाएगा। बहन मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मांगों को भी रखा था। बहन मायावती जी ने कहा था कि एससी एसटी का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वह सब क्लासिफिकेशन से होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि क्रिमिलियर यह एससी एसटी के रिजर्वेशन का आधार नहीं है, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वह सामाजिक बहिष्करण का आधार है, सामाजिक अपमान और सामाजिक उत्पीड़न का यह आधार है और इसके कारण एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि उपवर्गीकरण से किसी भी शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को फायदा नहीं होगा, बल्कि वह रिजर्वेशन, वह रिप्रेजेंटेशन डिसॉल्व होकर रिवर्स हो जाएगा और वह अनरिजर्व में ही डाल दिया जाएगा और अंत में एक रिजर्वेशन की कैटेगरी को उसका फायदा मिलने वाला नहीं है, यथास्थिति में यह रिजर्वेशन रहना चाहिए, यह बसपा की बड़ी मांग है।
वहीं साथ ही बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन की मांग की है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं और जजों की जो बेंच है उसमें एससी एसटी के लोगों का नहीं होना ही इस बात का सबूत है कि यह लोग एससी एसटी के रिजर्वेशन के महत्व को नहीं समझते, रिप्रेजेंटेशन के महत्व को नहीं समझते। लोकतंत्र में हर किसी की भागीदारी होना आवश्यक होता है और यही चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से ही नहीं समझी जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों का एकाधिकार है वो लोग मनमानी कर रहे हैं। और इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा था कि एससी एसटी के लोगों को जुडिशियरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि फैसले जब लिए जाए तो इनके इनके रिप्रेजेंटेशन का भी खासा ख्याल रखा जाए। साथ ही पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भी बहन मायावती जी का बयान था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण यह लागू होना चाहिए जिसका बिल समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा था कि हमेशा इस प्रमोशन में आरक्षण का हमेशा विरोध करते रहेंगे। न्यूज की पेपर कटिंग अभी भी वायरल होती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि साक्षात्कार के आधार पर जो नियुक्तियां होती हैं, इंटरव्यू बेस्ड जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी एससी एसटी ओबीसी के साथ जातीय भेदभाव किया जाता है और इसी भेदभाव के चलते नॉट फाउंड सुटेबल में वह सीट डाल दी जाती है और बाद में उसे अनरिजर्व कर दी जाती है। तो ये भी इसका भी विरोध बसपा ने किया है और साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में जो 45 अधिकारियों की यूपीएससी में जो 45 जगह निकली है उसको जो जिसकी सीधी भर्ती होने जा रही है उसका विरोध भी बसपा ने किया। उन 45 सीटों पर एक भी एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का कि सीट नहीं छोड़ना या फिर नहीं अलॉट करना, ये बहन मायावती जी ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि यह संविधान का उल्लंघन है। सीधी भर्ती तो पहली नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला जो है वो इसमें लागू कर किया जाना चाहिए था। तीसरी बात बहन मायावती जी ने कहा कि एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ी, यह गैर कानूनी है, संविधान का उल्लंघन है, ये बात भी कही थी। आज का ही ट्वीट है बहन मायावती जी का जिसमें आपने ये देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा। वही आपको बता दें कि लगातार लेटरल एंट्री से भी एससी एसटी के रिप्रेजेंटेशन को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ रिजर्व इंटरव्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट से रोका जा रहा है, निजीकरण से भी रोका जा रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी का कहना था। बहुजन समाज पार्टी निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था की मांग लगातार कई दिनों से कर रही है लेकिन निजीकरण किया जा रहा है लेकिन रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो ये सारे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना बयान जारी कर दिया और उसके बाद 21 अगस्त की तैयारियों में बसपा जुट चुकी है और पूरे आप सोशल मीडिया पर देखिए, खासकर ट्विटर पर, तो 21 अगस्त भारत बंद रहेगा, 21 अगस्त भारत बंद इस प्रकार का और सेव रिजर्वेशन इस प्रकार के ट्रेंड्स भी ट्विटर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लेटरल एंट्री को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने विरोध जताया है। इसको लेकर आपको बता दें कि कई लोग इस अभी जो यूपीएससी की भर्ती नियुक्ति को लेकर जो एडवर्टाइज आई है उसमें अगर एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटें होती तो लगभग 20 सीटें एससी एसटी और ओबीसी को मिलते, लेकिन यहाँ एससी एसटी ओबीसी को रोकने का बड़ा प्रयास इस प्रकार से आरक्षण के मामले को आरक्षण के नियमों का पालन न करके किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2019 में जो शिक्षक भर्ती निकाली थी उसके बाद वहां पर भी एससी एसटी के और ओबीसी के रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं किया गया। अब केंद्र सरकार भी उसी तर्ज पर काम करती हुई नजर आ रही है और यहां तक हम ये कह सकते हैं कि लगातार ये एससी एसटी के लोगों को चढ़ाने का काम हो रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के तरफ से बड़ा बयान जारी हुआ, हरियाणा प्रदेश के जो सरकार है उन्होंने इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बात कही है, तेलंगाना से भी यही बातें समझ में आ रही हैं।
वहीं आपको बता दें कि अब पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करने जा रही है। बड़ी तादाद में बसपा की तरफ से इस आंदोलन की तैयारियां हो रही हैं और आने वाले 21 तारीख को मजबूती से भारत बंद किया जा रहा है ताकि एससी एसटी के आरक्षण के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उस पर रोक लगे और इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, वह यथास्थिति में रहे, ये मांग की जा रही है। और इसको लेकर 2 अप्रैल के आंदोलन से भी इसकी तुलना की जा रही है। बता दें कि 2 अप्रैल को जो आंदोलन किया गया था तो उस 2 अप्रैल के आंदोलन को लेकर अब तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार से एससी एसटी के लोग एट्रोसिटीज के मामले को लेकर एट्रोसिटीज के कानून को कमजोर किया था भाजपा ने और उसके खिलाफ में जब लोग सड़कों पर उतर आए थे तो उस आंदोलन से अब इसकी तुलना की जा रही है। बड़ी तादाद में सरकार की तरफ से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने जो है एक सूचना जारी कर दी, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है लेकिन लोग शामिल नहीं होना चाहिए 21 तारीख के आंदोलन में, करके उन्होंने ये कह दिया है कि उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत ही धूल मूल है, बिना डेटा के यह फैसला दिया, उसका सारा का सारा एकाधिकार अब राज्य सरकार को के हाथों में सौंप दिया है, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना अब एससी एसटी के लोगों को किया जाएगा। कुछ राज्यों में लागू किया जाएगा, कुछ राज्यों में नहीं किया जाएगा, क्या कुछ होगा कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ के इस फैसले के बाद चंद्रचूड़ के 7-6 जजों की बेंच ने जब इसका फैसला दिया है उस फैसले पर कई प्रश्न चिन्ह है, लोगों में अभी भी इस फैसले को लेकर कई सवाल थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। लेकिन अब 21 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, लगातार जाट महासभा ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है, कई ओबीसी संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है, दलित आदिवासियों के इस अधिकारों को बचाने की लड़ाई में तमाम लोग अपने मकानों से निकलने की अपील अब लोग कर रहे हैं। बता दें कि भीम आर्मी के मंजीत सिंह नोटियाल भी इस आंदोलन में शामिल होने की बात कर रहे हैं और वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि 21 तारीख को कोई भी शख्स घर में नहीं रहेगा। वहीं बता दें कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने भी लोगों को इस दिन के मौके पर इस भारत बंद के इस आंदोलन में शामिल होने की बात कही है लगातार। और अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी घोषणा की जा रही है, बड़ा ऐलान हो चुका है, सारे दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बसपा ने दे दिया है और अब जल्द ही इस आंदोलन को लेकर जो है इस आंदोलन को लेकर आधिकारिक तौर पर भी बात हो सकती है। वहीं आपको ये बताएं कि इस आंदोलन की तैयारियां जोरों शोरों से है, सरकार की कुर्सी अब खतरे में पड़ सकती है और वहीं कांग्रेस और इंडी अलायंस को भी लोग सवाल पूछेंगे, ना सिर्फ सवाल पूछेंगे बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का अब एससी एसटी के इलाकों में आना मुश्किल हो जाएगा, मुंह छुपाते फिरना पड़ेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जिन लोगों ने एससी एसटी को बहका कर गुमराह करके वोट तो लिया लेकिन जब आरक्षण पर बन आई, आरक्षण पर मुश्किलें आई तब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बयान इनके तब आ रहे हैं जब बहन मायावती जी इन पर हमला कर रही हैं, जब बहन मायावती जी इनको घेरते हुए नजर आ रही है तब इनके बयान सामने आए और ये सारी चीजें अब सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी मुश्किल में डालने वाली है। बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन का नेतृत्व करने जा रही है, बहन मायावती जी के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है वह किया जा रहा है। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।